दोस्तों आज हम महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित आठवें प्रमुख ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर महादेव की स्थापना की कथा सुनेंगे। यह कथा सिर्फ महादेव के ज्योतिर्लिंग की नहीं है अपितु माँ गंगा की धरती पर पुनः अवतार की भी है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर नासिक के त्र्यंबक नामक स्थान में ब्रह्मागिरी पर्वत के पास स्थित है। एक बार अनेक वर्षों तक यहाँ वर्षा नहीं हुई थी, तब सभी मनुष्य और प्राणी यहां से पलायन करने लगे। इस समस्या के समाधान के लिए महर्षि गौतम जी ने 6 महीने तक तप करके वरुण देव को प्रसन्न किया था। वरुण देव जी ने महर्षि गौतम जी को एक खड्डा खोदने के लिए कहा। वरुण देव ने इस खड्डे को दिव्य जल से भर दिया। इस दिव्य जल के कारण वहां हरियाली फिर से आ गई और सभी मनुष्य तथा पशु पक्षी भी वापस अपने स्थान पर पुनः आ गए। इस प्रकार महर्षि गौतम जी की बड़ी प्रशंसा हुई। ऐसे ही एक दिन उस खड्डे में गौतम ऋषि के शिष्य जल लेने के लिए गए तथा अन्य ऋषियों की पत्नियां भी वहां आ गई और वे पहले जल लेने का हट करने लगी। गुरु माता अहल्या ने सबको समझाया कि ये नन्हे बालक पहले से यहाँ उपस्थित है तो इन्हें पहले जल लेने दिया जाए। परंतु इस बात से नाराज अन्य मुनि पत्नियों को लगा कि माँ अहिल्या अपने शिष्यों का पक्ष ले रही है। इस दिव्य जल की व्यवस्था इनके पति महर्षि गौतम ने जो कराई है, यही बात बाकी मुनि पत्नियों ने अपने पतियों को बढ़ा चढ़ा कर बताई। इस बात से नाराज कुछ ऋषियों ने गौतम ऋषि से बदला लेने के लिए भगवान गणेश जी की पूजा आरंभ की। गणेश जी के प्रकट होने पर उन ऋषियों ने गौतम ऋषि को अपमानित करने के लिए भगवान से सहायता करने के लिए कहा। इस पर भगवान श्री गणेश जी ने अनुरोध पूर्वक कहा कि ऐसे मुनि के साथ द्वेष रखना उचित व्यवहार नहीं है जिसने अपने तप से इस प्रदेश में जल की व्यवस्था करा के सभी को जीवन दान दिया हो। परंतु मुनियों के हट करने से गणेश भगवान जी ने उनकी बात मान ली। साथ ही साथ यह चेतावनी भी दी कि इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। इसके कुछ दिनों के बाद गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर महर्षि गौतम जी के धान के खेत में पहुंचे। यह देख गौतम ऋषि ने उस गाय को अपने पास बुलाया और उसे अपने हाथ से खिलाने लगे। उस धान के तिनके का स्पर्श होते ही वह गाय तुरंत धरती पर गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण और उनकी दुष्ट पत्नियां पास ही छिपे थे। गाय के मरते ही सब बाहर निकल आए और उन पर गौ हत्या का पाप मढ़कर उन्हें धिक्कारने लगे। सभी कहने लगे कि जब तक तुम यहां रहोगे तब तक अग्निदेव और पितृगण हमारे हवन को ग्रहण नहीं करेंगे और गौ हत्यारे तो परिवार सहित यहां से दूर चला जा। गौतम ऋषि त्र्यंबक से दूर एक आश्रम बनाकर रहने लगे। परंतु यहां भी ब्राह्मण उन्हें आकर परेशान करने लगे तथा उन्हें यज्ञ आदि कर्म करने से भी रोकने लगे। तब गौतम ऋषि ने गौ हत्या शुद्धि के लिए सबसे प्रार्थना की। इस पर सभी ब्राह्मणों ने कहा कि अगर तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हो, फिर लौटकर यहां 1 महीने तक व्रत करते हो और उसके बाद ब्रह्मगिरी पर्वत की 100 बार परिक्रमा करते हो तो उसके बाद ही तुम्हारी शुद्धि होगी, अथवा यहां गंगा जी को लाकर उन्हीं के जल से स्नान करो तथा 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव की आराधना करो और फिर से गंगा में स्नान करके ब्रह्मगिरी पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो और फिर 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर ही तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों ने जैसा कहा गौतम ऋषि ने वैसा ही किया। अहिल्या ने भी अपने पति का इस तप में साथ दिया। ऋषि की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने निष्पाप होने का वर मांगा। तब भगवान शिव जी ने कहा कि मुनि तुम सदा से ही निष्पाप हो, इन दुष्टों ने ही तुम्हारे साथ छल किया है, तुम गंगा की तरह पवित्र हो, उन पापियों का कभी उद्धार नहीं होगा। गौतम ऋषि विस्मित होकर बोले, हे महादेव, अगर इन ऋषियों ने ऐसा नहीं किया होता तो मुझे आपके दर्शन भी नहीं होते। महादेव, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए। शिवजी ने गंगा देवी को धरती पर पुनः अवतरित होने के लिए कहा। माँ गंगा ने कहा कि मैं तभी यहाँ वास करूंगी जब महादेव लिंग स्वरूप में अपने परिवार के साथ यहाँ वास करेंगे तथा सभी देवतागण भी यहाँ वास करेंगे। इस पर महादेव ने कहा तथास्तु, और देवताओं ने कहा कि जब जब बृहस्पति देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब सभी देवगण यहां आएंगे। इस प्रकार वहां स्थित माँ गंगा गोदावरी रूप में विख्यात हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और क्या आप इस रहस्य के बारे में पहले से जानते थे?
कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और इसी प्रकार की रहस्यमयी और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देखने वाले दर्शक हमारे पेज को अवश्य फॉलो करें। जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव।